Hello, my dear students. How are you all? Today, I am going to teach you the chapter Reach for the Top. We have two parts in this chapter, Reach for the Top, Part 1 and Part 2. Part 1 is about Santosh Yadav. And this chapter is taken from the book Beehive. So first of all, I would like to tell you about Santosh Yadav. Santosh Yadav kaun hai? She is an Indian mountaineer. वो एक Indian mountaineer हैं जिन्होंने Mount Everest पर दो बार successfully जो है चढ़ाई की है. So she is a great lady. So this chapter is very inspirational. कि संतोष यादव में कौन सी ऐसी qualities थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी life में इतना कुछ achieve किया. So let's read this chapter about this great mountaineer संतोष यादव. The only woman in the world who has scaled means climbed. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So she is the only lady in the world. Ye world ki ek aisi lady hai. Who has scaled means climbed Mount Everest twice, जिन्होंने दो बार Mount Everest की चढ़ाई की है. Was born in a society, उनका जन्म एक ऐसी society में हुआ where the birth of a son was regarded as a blessing, जहाँ पे बेटे का होना तो एक blessing माना जाता है, खुशी की बात माना जाता है. But a daughter, though not considered a curse, curse means श्राप, एक बुरी बात, कि बेटी के होने को अगर बुरा नहीं माना जाता, was not generally welcome, तो उसे welcome भी नहीं किया जाता, यानी कि बेटी के होने की ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती है. When her mother was expecting संतोष, जब उसकी mother जो है, तब जो है संतोष होने वाली थी, यानी कि उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी. अ ट्रैवलिंग होली मैन, ट्रैवलिंग होली मैन मीन्स घूमता हुआ कोई साधु सन्यासी. गिविंग हर हीज ब्लेसिंग, तो उसने संतोष यादव की मदर को जो है ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया. एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, तो उसने जो है इस तरह से आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बेटा हो, क्योंकि उसे लगता था साधु सन्यासी को कि उसे जो है एक बेटा चाहिए, जैसे कि यूजली सभी को जो है बेटा चाहिए होता है. तो इस तरह से उसने जो है बेटा होने का आशीर्वाद दिया संतोष यादव की मदर को. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट टू एवरी वन सरप्राइज, कि सभी सरप्राइज हो गए सुनकर. क्या? द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि संतोष यादव, यानी अनबोर्न चाइल्ड कौन है यहाँ पर? संतोष यादव. कि अनबोर्न चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि संतोष यादव की जो दादी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि पास ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसने उस सन्यासी को कहा, दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो साधु सन्यासी जो था वो भी बड़ा ही हैरान हो गया. नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो जैसा कि उसकी दादी ने कहा कि हमें जो है बेटा नहीं बेटी चाहिए, तो उसने वैसा ही आशीर्वाद उन्हें दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य को, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, फेट, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, आशीर्वाद काम कर गया, यानी कि संतोष यादव का जन्म हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विद फाइव सन्स, तो संतोष यादव का जन्म उस फैमिली में हुआ सिक्स चाइल्ड के रूप में, यानी कि फैमिली में जो है पहले से ही पांच बेटे थे, संतोष यादव के पांच भाई थे. अ सिस्टर टू फाइव ब्रदर्स, तो इस तरह से वो पांच भाइयों की एक बहन थी. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. सो संतोष यादव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जोनियावास के, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है. और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स? हरियाणा में. सो इस तरह से जो है संतोष यादव का जन्म जो है हरियाणा की एक जो है छोटी सी जगह पर, एक विलेज में हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की को संतोष नाम दिया गया, यानी कि संतोष यादव का नेम जो है संतोष रखा गया, विच मीन्स
कंटेंटमेंट, क्योंकि संतोष का मीनिंग क्या होता है, कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन. सो सेटिस्फैक्शन को हिंदी में संतोष कहा जाता है. सो इस तरह से उसका नामकरण किया गया. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष यादव अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट थी. वो कभी भी संतोष यानी कि संतुष्ट नहीं होती थी, यानी कि ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो था वो उसमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी. शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. यानी कि उसने स्टार्टिंग से ही अपनी जो है शर्तों पर लाइफ जीना जो है शुरू कर दिया. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. दूसरी गर्ल्स जो है जो विलेज में जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणवी ट्रेडिशनल जो है ड्रेसेस क्या होती हैं, इस तरह से जो है कुर्ता और जो है इस तरह से जो है एक घाघरा होता है. तो इस तरह से बाकी गर्ल्स जो थी, बाकी जो लेडीज थी, वो जो है इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी. लेकिन संतोष को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था. संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. उसे तो शॉर्ट्स पहनना पसंद था क्योंकि वो कंफर्टेबल रहना चाहती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ. और अब जब जो है संतोष यादव लुकिंग बैक मीन्स अपने जब पास्ट को याद करती है तो कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डेटरमिंड. कि शुरू से ही मैं जो है दृढ़ निश्चय वाली गर्ल थी और मुझे जो है ये मैंने पूरा इरादा किया हुआ था दैट If I chose a correct or a rational path, कि अगर मेरा रास्ता करेक्ट है, मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, मैं एक रैशनल यानी कि लॉजिकल जो है रास्ते पर चल रही हूँ, the others around me had to change, not me. तो दूसरों को चेंज होना चाहिए, मैं जो है अपना रास्ता चेंज नहीं करूँगी. सो स्टार्टिंग से ही वो जो है बड़ी ही डिटरमिंड गर्ल थी, बड़ी ही जो है कठोर इरादों वाली जो है दृढ़ निश्चय वाली गर्ल थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट मीन्स रिच. संतोष के पेरेंट्स बड़े ही रिच थे. संतोष पेरेंट्स वर रिच एफ्लुएंट लैंड ओनर्स. बहुत ही जो है अमीर जमींदार थे. हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स. वो जो है अब इतने अमीर थे कि बहुत अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज सकते थे. इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली. यहाँ तक कि जो कंट्री की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से पास ही लगती है. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम. लेकिन जैसा जो है उनकी फैमिली में कस्टम था, रिवाज था, कि बच्चों को जो है महंगे स्कूल्स में नहीं पढ़ाना है, बच्चों को पास वाले ही स्कूल्स में रखना है. सो बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम. इन लाइन विद मीन्स इन अकॉर्डेंस टू द प्रिवेलिंग कस्टम. जैसा कि उनकी फैमिली में कस्टम था, रिवाज था इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. उसे भी जो है इतना रिच होने के बावजूद भी जो विलेज का लोकल स्कूल था उसी में ही भेजा गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. सो संतोष ने डिसाइड किया कि वो अपने ही तरीके से जो है ये जो सिस्टम बना हुआ है, ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है, उससे जो है लड़ेगी, लेकिन एक सही मोमेंट के आने पर, एक सही जो है समय पर. एंड द राइट मोमेंट केम. और सही समय आ गया when she turned 16, जब वो 16 years की हो गई. At 16, most of the girls in her village used to get married. जब 16 years की जो age होती है, उसके जो village की girls ही ज़्यादातर girls की शादी कर दी जाती थी. संतोष was also under pressure. और संतोष के ऊपर भी जो है शादी के लिए pressure बनाया गया from her parents to do the same. उसके parents ने कहा कि अब तुम 16 years की हो गई हो, अब तुम्हें भी जो है शादी कर लेनी चाहिए. सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि वो शादी करेगी या नहीं. सो मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. सो दूर दूर तक जो है इतनी कम एज में शादी करने का उसके मन में कहीं ख्याल ही नहीं था. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स. थ्रेट करना होता है धमकी देना. उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी और कहा दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. कि वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी. शी लेफ्ट होम. उसने अपना घर छोड़ दिया एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. और अपना एडमिशन करा लिया दिल्ली के एक स्कूल में.
When her parents refused to pay for her education, और जब उसके parents ने मना कर दिया कि वो जो है उसकी fees को pay नहीं करेंगे, उसकी school fee नहीं भरेंगे, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fee. तो उसने जो है बड़े ही politely, बड़े ही नम्रता के साथ अपने parents को अपना plan बताया कि वो अपनी school fee pay करने के लिए part time job करेगी अगर उसके पेरेंट्स फीस नहीं भरते हैं तो. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. सो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको जो है हाँ कर दिया उसकी फ़ी को देने के लिए. सो वी कैन सी दैट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिंड गर्ल फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर. सो हमेशा ही जो है वो थोड़ा और पढ़ना चाहती थी. एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन. अर्ज मीन्स हियर रिक्वेस्ट. कि उसके फादर भी जो है अब यूज्ड टू हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे उसकी इस आदत से कि वो और पढ़ाई करना चाहती है. संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस. उसने अपनी जो है हाई स्कूल की एग्जाम्स दिए, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर स्कूलिंग एजुकेशन ली. एंड वेंट टू जयपुर. और फिर उसके बाद वो जयपुर चली गई. शी जॉइन द महारानी कॉलेज. उसने वहाँ पर जाकर महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया. एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. और कस्तूरबा हॉस्टल था वहाँ पर, तो वहाँ जाके उसने एक रूम भी ले लिया. संतोष रिमेंबर्स. और संतोष को आज भी याद है, वो याद करती है इस बात को. कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. वो कहती है कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसके बिल्कुल सामने अरावली हिल्स थे, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ थी. आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम. कि मैं अपने रूम से जो है विलेजर्स को देखा करती थी गोइंग अप द हिल, जो कि अरावली हिल्स पर चढ़ते थे. एंड सडनली वैनिशिंग. वैनिश मीन्स डिसअपियरिंग, गायब हो जाना. और फिर एकदम से गायब हो जाते थे आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद. तो इस तरह से संतोष यादव जो है अपनी जर्नी के बारे में बताती है कि कैसे कैसे उसकी लाइफ में जो है एक के बाद एक जो है चेंजेस आती गई और वो आगे बढ़ती चली गई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. वो कहती है कि जब मैं देखती थी अपने हॉस्टल के रूम से कि कैसे विलेजर्स जो है उन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं, तो एक दिन मैंने खुद जो है डिसाइड किया कि मैं जाकर चेक करूँगी कि ये क्या जो है मैटर है, कि ये क्या मसला है. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. वो कहती है मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पर जो है कोई नहीं मिला, सिर्फ कुछ जो है माउंटेनियर्स मिले. माउंटेनियर्स कौन होते हैं? वो लोग जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं. तो मुझे कुछ माउंटेनियर्स मिले. आई आस्क्ड, मैंने पूछा इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं भी उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि उनके साथ पहाड़ों पर चढ़ सकती हूँ. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं सरप्राइज हुई. दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव. तो उन्होंने मुझे हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं भी उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी जो है क्लाइंबिंग ज्वाइन करनी चाहिए, यानी कि मुझे भी एक माउंटेनियर बनना चाहिए. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिंड यंग गर्ल. और उसके बाद इस डिटरमिंड यंग गर्ल, यानी कि दृढ़ निश्चय वाली संतोष यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे ही आगे बढ़ती चली गई. उसे अपनी लाइफ का जो है ऑब्जेक्ट मिल गया, अपनी लाइफ का एम मिल गया. शी सेव्ड मनी. उसने पैसे जो है बचाए. एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स. और एक कोर्स में एडमिशन ले लिया. वो कोर्स उसने कहाँ पे किया? एट उत्तराकाशीस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. ये जो है यू कैन सी द पिक हेयर. यहाँ पर आप एक ये पिक्चर दे सकते हैं. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ये उत्तराकाशी में. तो वहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया, यानी कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए उसने यहाँ पर एडमिशन ले लिया. माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. कि मेरा जो सेमिस्टर था जयपुर में वो जो है अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, यानी कि
मेरी क्वालिफिकेशन जो है, जो कॉलेज लाइफ है, जो सेमेस्टर का एंड है, वो अप्रैल में होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन वो 19th of May को ही ख़त्म हो गया. यानी कि मुझे जो है कुछ दिन मिल गए मे मंथ के वहाँ पर जाने के लिए. कहाँ पर जाने के लिए? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है जाने के लिए, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. And I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st. कि 19 डेट को मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ और मुझे 21st डेट को यानी कि 21 तारीख को उत्तराकाशी पहुंचना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इसलिए समय कम था, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई. इंस्टेड इसके बावजूद मैंने क्या किया, आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. मैं सीधी ट्रेनिंग लेने चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी. एपोलॉजी मीन्स माफ़ी. कि मुझे जो है एक लेटर लिखना पड़ा टू माई फादर. अपने फादर से मैंने जो है माफ़ी मांगी लेटर लिखकर, विदाउट हुज परमिशन, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही आई हैड गोट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तराकाशी. मैंने उत्तराकाशी में जो है जो इंस्टीट्यूट था, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, अपने फादर की बिना परमिशन के लिए के ही मैंने वहाँ पर अपने आप को इनरोल्ड करा लिया था, यानी कि एडमिशन करा लिया था. सो सेवन मीन्स दिस इज़ अ सेवंथ पैराग्राफ. देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. एक्सपीडिशन क्या होता है, मिशन, अभियान. तो उसके बाद जो है वो हर साल जो है माउंटेनियरिंग के लिए जो है जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. रैपिडली मीन्स फास्ट. तो संतोष यादव की जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, माउंटेन्स पर चढ़ने की जो स्किल्स होती हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होती गई, यानी कि वो जो है निपुण होती गई माउंटेन्स चढ़ने की कला में. Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude. उसे जो है ऊंचाई से भी जो है डर नहीं लगता था. उसे जो है ठंड का भी उसकी बॉडी पर ज़्यादा जो है बुरा प्रभाव नहीं होता था. यानी कि वो जो है ऊंचाई और ठंड दोनों को ही जो है वो सहन कर लेती थी. धीरे धीरे उसने उसकी बॉडी ने जो है उसकी बॉडी स्ट्रांग होती चली गई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इक्विप्ड विद एन आयरन विल. सो संतोष यादव के पास क्या था, एन आयरन विल. मीन्स कि उसकी जो विल पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, लोहे के जैसी थी. वो बिल्कुल भी जो है वो जो है बहुत ही स्ट्रांग माइंड वाली जो है गर्ल थी. फिज़िकल इंड्योरेंस, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, उसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा था. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंड वाली गर्ल थी. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. उसने बार बार जो है अपने आप को प्रूव किया इस बात के लिए. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. कल्मिनेशन मीन्स क्या है, क्लाइमैक्स, द हाइएस्ट पॉइंट. यानी कि उसके हार्डवर्क और सिंसियरिटी हमें कब पता चली, इट केम इन 1992 में. तो उसने जो हार्डवर्क किया और जितनी सिंसियर थी वो अपने काम में, उसका परिणाम हमें जो है 1992 में पता चला. जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर शी हैड शाइली. शाइली मीन्स शर्माते हुए. आस्क द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन दैम. कि 4 साल पहले ही तो उसने शर्माते हुए अरावली माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ. और 4 साल बाद ही उसने अपने आप को प्रूव कर दिखाया 1992 में, एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज. बियरली मीन्स ओनली. जब वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. संतोष यादव ने जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, उस पर चढ़ाई की. एंड शी वाज सक्सेसफुल बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. फीट मीन्स हियर क्या है, एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल एंड स्ट्रेंथ. तो ये जो है एक बहादुरी वाला काम उसने कर दिखाया. इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स. कि उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो तो अच्छी थी ही, फिज़िकल फिटनेस यानी कि फिज़िकली भी वो बहुत फिट थी, मेंटल स्ट्रेंथ जो है मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थी. इन सारी चीज़ों ने उसके सीनियर्स को इम्प्रेस किया ही. साथ में ही और क्या चीज़ थी जिसने जो है उसके सीनियर्स को इम्प्रेस किया, हर कंसर्न फॉर अदर्स. वो दूसरों की परवाह भी करती थी, दूसरों की केयर करती थी. एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद दैम. और वो जो है सबके साथ मिलकर चलती थी, सबके साथ काम करना उसे पसंद था.
found her a special place in the hearts of fellow climbers. और उसकी जो है ये जो qualities थी सबके साथ मिलकर चलने की, दूसरों की जो है परवाह करने की, ख्याल रखने की, इन सब की वजह से जो है संतोष यादव ने एक special जो है जगह बना ली अपने जो बाकी जो climbers थे उसके जो साथी थे उन सब के दिलों में. तो ये सारी qualities थी जिनकी वजह से जो है संतोष यादव जो है अपनी life में इतनी successful रही और Mount Everest को उसने जो है दो बार जो है वो उस पर चढ़ाई कर पाई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना पाई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. सो 1992 में जब एवरेस्ट मिशन था, जब वो इस मिशन पर गई हुई थी, तो संतोष यादव ने जो है स्पेशल केयर की एक क्लाइंबर की, अपने साथी की, जो कि जो है मरने वाली कंडीशन में था साउथ कोल नाम की जगह पर पहुंचकर. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम कि उसने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही. हाउएवर लेकिन फिर भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर. उसने एक और क्लाइंबर की जान बचाने में वो सक्सेसफुल रही जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह, who would have met with the same fate. जो भी जो है वो भी जो है मर सकता था, यानी कि जिस तरह से पहला पर्सन मरा था तो वो भी इस तरह से जो है मर सकता था, had she not shared her oxygen with him. अगर वो जो है अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो इस तरह से जो है वी कैन सी दैट संतोष यादव वॉज वेरी केयरिंग, शी वॉज वेरी कंसर्न फॉर हर फेलो क्लाइंबर. सो शी हैड मैनी humanly qualities, उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी qualities थी. She was very helpful, she was very concerned and caring for others. So let's move to the next paragraph. Within 12 months, और एक बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उसके जो है 12 मंथ्स के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपीडिशन. वो जो है इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपीडिशन की एक मेंबर बन गई दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम. और उन्होंने उसे इनवाइट किया कि वो भी उनके साथ जो है फिर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. और इस तरह से वो दूसरी बार भी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई, दस सेटिंग अ रेकर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस. तो इस तरह से वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी लेडी बनी जो कि माउंट एवरेस्ट की उसने दो बार चढ़ाई की थी, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग. सो एनल्स मीन्स क्या है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स. सो हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को या कोई भी इवेंट जो है जब ईयर बाय ईयर अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर जो भी रिकॉर्ड्स थे उसमें जो है एक यूनिक प्लेस दिलवाया उसने खुद को भी और इंडिया को भी अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स की वजह से माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़कर. इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट. और उसकी जो है इस अचीवमेंट को स्वीकारते हुए पहचानते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री. तो उसकी जो है इस अचीवमेंट को जो है देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बेस्टोव्ड मीन्स गेव हर तो उसको जो है सम्मानित किया वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री. तो इसे जो है पद्मश्री जो है अवार्ड भी जो है दिया गया संतोष यादव को, इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री जो है अवार्ड देकर भी सम्मानित किया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Describing her feelings when she was literally on the top of the world. So, जब वो सच में ही top of the world पर थी, यानी कि Mount Everest पर खड़ी थी, संतोष has said, संतोष कहती है, it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. So संतोष यादव कहती हैं कि वो मोमेंट जो है इतनी ग्रेट मोमेंट थी मेरे लिए कि उसको समझने के लिए, सिंक इन मीन्स कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे जो है कुछ समय लग गया, यानी कि मैं जो है विश्वास ही नहीं कर पा रही थी दैट आई एम लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि सच में ही मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर हूँ और ये मेरी लाइफ की इतनी बड़ी मोमेंट है, इतना स्पेशल जो है पल है. देन आई अनफोल्ड द नेशन ट्राई कलर. ट्राई कलर क्या है, हमारा तिरंगा.
कहती है फिर मैंने जो है अपने तिरंगे को फहराया एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और फिर मैंने जो है उसे एवरेस्ट की चोटी पर जो है अपने हाथ में थोड़ा ऊंचा जो है उठाकर फहराया. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. सो वो जो फीलिंग थी उस समय पर मेरी, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, यानी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती. इट वॉज इनडिस्क्राइबेबल. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडियन फ्लैग जो है हमारा वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर फहरा रहा था. इट वॉज truly a spiritual moment, कि मेरे लिए जो है ये एक spiritual moment थी, यानी कि एक आत्मिक moment थी. मुझे बड़ा सुख मिल रहा था, मेरी आत्मा को बड़ा सुख मिल रहा था. I felt proud as an Indian, और मुझे Indian होने पर proud feel हो रहा था. Also a fervent environmentalist. So संतोष यादव जो है एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यानी कि वो एनवायरमेंट से भी बहुत प्यार करती हैं. यहाँ पर वर्ड आया है फॉर्वेंट. तो फॉर्वेंट मीन्स क्या होता है, शी वॉज वेरी इंथुजियास्टिक मीन्स पैशनेट. वो जो है एक पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यानी कि उनका एनवायरमेंट से भी बड़ा लगाव है. तो संतोष ने क्या किया, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. तो उसने जो है वापसी में वापस आते हुए क्या किया कि जितना भी कूड़ा कचरा वहाँ पर बिखरा हुआ था हिमालय माउंटेन्स पर जो है, जहाँ पे भी उसे जो भी जो है कूड़ा दिखाई दिया, तो वो जो है 500 किलोग्राम्स गार्बेज जो है ऊपर से नीचे तक इकट्ठा करती हुई लेकर आई. सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट. आई होप कि आपको चैप्टर जो है समझ में आया होगा और संतोष यादव के बारे में आपको जो है बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा कि कौन सी क्वालिटीज़ थी उसके अंदर जिसके वजह से जो है उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया. और जो है हरियाणवी जो बैकग्राउंड है, जहाँ पर जो है लेडीज़ को इतने ज़्यादा जो है फ्रीडम नहीं दी जाती है, जहाँ पर जो है उनको डोमिनेट करके रखने की जो है कोशिश की जाती है, सो ऐसे एनवायरनमेंट में से जो है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की हेल्प से जो है वो निकली और उसने जो है अपनी विल पावर और अपनी जो है फिज़िकल फिटनेस की जो है वजह से और अपने जो है जो क्वालिटीज़ थी जो उसके अंदर ह्यूमनली क्वालिटीज़ थी, तो अपनी लाइफ में जो है इतना कुछ अचीव किया. और दो बार जो है उसने माउंट एवरेस्ट पर जो है फ़तेह हासिल की, यानी कि दो बार जो है वो सक्सेसफुली उस पर जो है चढ़ पाई. और ना सिर्फ अपना बल्कि जो है इंडिया का नाम भी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है उसने रोशन किया. सो इट वॉज a great अचीवमेंट ऑन हर पार्ट. सो आई होप स्टूडेंट दैट द एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर टू यू ऑल. If you like the explanation, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it and share it with your friends. Thank you, students.